सर अभी हम देखेंगे कि दीक्षा पर इस स्कूल जो प्रोजेक्ट है हमारा टेक स्किल वाला स्कूल में, उसको कैसे सबमिट करना है, कैसे अपलोड करने हैं अपने एविडेंसेस, जो भी एक्टिविटीज सर ने जैसे बताई हैं वो एक्टिविटीज आप स्कूल में करोगे, और उसके बाद आप उनके जो एविडेंसेस हैं, जैसे कि हमने पहले आओ स्कूल चले में भी अपने एविडेंसेस जो थे वो दीक्षा पोर्टल के थ्रू सबमिट किए थे, ऐसे ही हम टेक स्किल क्लब डिजिटल मेला जो ऑर्गेनाइज करेंगे हम स्कूल में, उस मेले के एविडेंसेस को हम दीक्षा पे अपलोड करेंगे, और दीक्षा पर हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रही हूँ। आई होप कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, तो हम चलते हैं। आपको इसका इंफॉर्मेशन तो मिल ही गया, टेक स्किल क्लब क्या है, कैसे डिजिटल मेला ऑर्गेनाइज करना है, कब करना है। तो जैसे ही आप दीक्षा पे लॉग इन करेंगे मोबाइल ऐप में, अपनी मोबाइल ऐप में जब आप दीक्षा पे लॉग इन करेंगे, तब आप सबसे पहले जो काम करेंगे लॉग इन करने के बाद, ये जो मेरा कर्सर मूव होता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ जाके आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे। ये जो पर्सन बना है यहाँ जाके आप अपनी मोबाइल अपडेट प्रोफाइल अपडेट करेंगे, जिसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो रोल हो वो HTN ऑफिशियल का हो, और जो सब रोल हो वो हेड टीचर का हो। ठीक है, जो आपका जो रोल रहेगा वो HTN ऑफिशियल आप सिलेक्ट करेंगे, और सब रोल जो है वो हेड टीचर। उसके बाद आप अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल, क्लस्टर ये सब फिल करेंगे और उसको सबमिट करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस होम बटन पे आप प्रेस करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला आइकन है, ये जो होम बटन है फर्स्ट वाला, इस पे आप प्रेस करेंगे तो आपको कुछ, ये जो मेरी सेकंड मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, इस तरीके से कुछ आपको दिखेगा। इसमें आपको ये प्रोजेक्ट पे जाना, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि हम ये प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं टेक स्किल क्लब डिजिटल मेला का, तो इस प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह की जो फर्स्ट स्क्रीन है ये आपको दिखेगी, प्रोजेक्ट्स असाइन टू मी। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है आपका ये इस तरह से आपको दिखेगा, तो इसके अंदर आपको टेक स्किल डिजिटल मेला दिखेगा। इसको आप डिजिटल टेक स्किल डिजिटल मेला को जब आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो आपने प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी असाइन टू मी। असाइन टू मी में आपको टेक स्किल क्लब डिजिटल मेला जब ओपन करेंगे तब आपको ये सेकंड स्क्रीन दिखाई देगी, इस तरह से ये बटन ब्लू होगा स्टार्ट इम्प्रूवमेंट। जैसे ही आप इस स्टार्ट इम्प्रूवमेंट को प्रेस करेंगे, मतलब आपने ये रजिस्टर कर लिया है, इस डिजिटल मेला में आपने रजिस्टर कर लिया है। ठीक है, तो ये रजिस्टर करने के बाद फिर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, वो प्रोजेक्ट आपके लिए ओपन हो जाएगा, और आपको, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट ही किया है, तो योर प्रोग्रेस 0 out of 2 विल बी कंप्लीटेड ऐसे शो करेगा, और ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव है एनकरेज स्कूल लीडर्स टू लर्न अबाउट वेरियस डिजिटल इनिशिएटिव्स एंड शेयर आइडियाज दैट वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन देयर स्कूल्स। ठीक है, और इसके बाद ये जो नीचे लर्निंग रिसोर्सेज दिए हैं इस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ। ठीक है, ये जो डाउनलोड का बटन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, इस डाउनलोड के बटन पे, तो ये लर्निंग रिसोर्सेज जो है टेक स्किल क्लब डिजिटल मेला की, ये इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। इसको आप प्ले करेंगे तो जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स हैं जो सर ने अभी शेयर किए हैं, अभी जो सर ने बताया है कि किस तरह से क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, कैसे क्या करना है, वो सब लर्निंग रिसोर्स यहाँ पे भी डाला गया है। उसके बाद आप जब ये पढ़ लेंगे तो फिर आप नेक्स्ट चलेंगे, पहले आप प्रोजेक्ट डिटेल्स पे थे, अब आप क्लिक करेंगे टास्क डिटेल पे। जैसे कि सर ने बताया कि इस प्रोग्राम में 2 टास्क डिटेल हैं, 2 टास्क आपको कंप्लीट करने हैं। पहला तो ये है एड्रेस द असेंबली एंड शेयर आइडियाज अबाउट डिजिटल मेला, और दूसरा है ऑर्गेनाइज अ डिजी आर्ट गैलरी इन स्कूल या डिजी आर्ट मेला इन स्कूल। तो ये 2 टास्क हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, तो आप जैसे ही, दोनों ही मैंडेटरी टास्क हैं, और लर्निंग रिसोर्स हम पहले ही देख चुके हैं प्रोजेक्ट लेवल पे, जो प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर लर्निंग रिसोर्स हैं, फिर टास्क डिटेल के अंदर आपको 2 टास्क दिए गए हैं, जो दोनों टास्क आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे ही आप
पहले टास्क पे यहाँ व्यू टास्क डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। व्यू टास्क डिटेल्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पहला टास्क इस तरह से ओपन कर देगा। ठीक है, ऐसे ही जब आप व्यू टास्क डिटेल सेकंड वाले पे ओपन करेंगे तो आपको सेकंड वाला ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। सबसे पहले आपने जो ये स्टेटस है ये आपने इन प्रोग्रेस करना है, नोट स्टार्टिंग से चेंज करना है इन प्रोग्रेस पे। ठीक है, जैसे ही इन प्रोग्रेस पे आप स्टार्ट करेंगे फिर ओके कर देंगे तो आपका स्टेटस इन प्रोग्रेस आ जाएगा नोट स्टार्टेड से। और उसके बाद आपके जो भी एविडेंसेस हैं, जो आपके एविडेंसेस हैं जैसे कि ये ऐड फाइल्स एविडेंसेस को आपने ऐड करना है। यहाँ से ऐड फाइल के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बोलेगा अपलोड एविडेंसेस, फिर आपको ये टिक करना है आई कंफर्म दैट कंटेंट सबमिटेड बाय मी कंप्लाई विद द टर्म्स एंड पॉलिसीज ऑफ दीक्षा। इसको आप चेक करेंगे, टिक करेंगे, उसके बाद आपका ये अपलोड बटन ब्लू हो जाएगा और फिर आप अपना अपलोड कर देंगे। ये आपका टिक करेंगे तो ये अपलोड वाला बटन जो है ये ब्लू हो गया, तो आप इसमें अपलोड करेंगे। ये आपको ब्राउज करने का ऑप्शन देगा, वहां से आप अपनी फाइल जो भी एविडेंस है उसमें आप कैमरा से भी नई क्लिक कर सकते हैं, गैलरी में ऑलरेडी सेव है वहां से आप उसको पिक कर सकते हैं। कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है वर्ड का, कोई आपका लिंक है कहीं पे आपने यूट्यूब पे डाला है वो आपका लिंक है, आप सब कुछ ये चारों ऑप्शन है आपके पास। इस तरह से आप अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं और फिर यहाँ से अटैच फाइल पे आप इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप इसको इन प्रोग्रेस ही रखिएगा जब तक कि आपके सारे एविडेंसेस ऐड ना हो जाएं। आप और फाइल ऐड कर सकते हैं, एक से ज्यादा फाइल्स आप एक टाइम पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर से अपलोड पे क्लिक करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे कि किस तरह से आपको पहला टास्क ऐड करना है। ये दोनों मैं थोड़ा सा रिपीट कर लेती हूँ। दो टास्क थे इसमें, जिसमें से आप पहले टास्क पे क्लिक करेंगे तो आपको जो स्टेटस है वो नॉट स्टार्टेड दिखाएगा और आपने उस स्टेटस को नॉट स्टार्टेड से इन प्रोग्रेस चेंज करना है, क्योंकि आपने काम स्टार्ट दिया है ना, तो आप उसको इन प्रोग्रेस कर देंगे। इस तरह से आपका स्टेटस इन साइड आप इस अपलोड का ही पॉप आए इसको एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको अपलोड करेंगे और उसके बाद आपको फाइल अटैच करनी होगी। आपको ब्राउज करके जहां भी कैमरा से आपको ले, जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे आप सेकंड टास्क पे जाएंगे। सेकंड टास्क को भी आप इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, उसका स्टेटस चेंज करेंगे, इन प्रोग्रेस करेंगे, फिर वैसे ही फाइल अपलोड करेंगे। आप एक से ज्यादा फाइल्स अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद जब आपको पूरा लगे कि आपका वो टास्क भी सारे एविडेंसेस स्कूल में जितने भी गैलरी आर्ट डिजिटल आर्ट मेला में जितने भी आपके पूरे लगे गए थे डॉक्यूमेंट्स वो सब आपने अटैच कर दिए हैं, उसके बाद आप उसका भी स्टेटस आप कंप्लीटेड शो करेंगे और कंप्लीटेड शो करने के बाद आपका वो भी इस तरह से ग्रीन टिक आ जाएगा और उसके बाद आपका जो सबमिट इम्प्रूवमेंट बटन है वो भी ब्लू हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे जो सबमिट इम्प्रूवमेंट बटन है वो ब्लू नहीं है क्योंकि आपने अभी टास्क कंप्लीट नहीं किए हैं, बट जब आप दोनों टास्क कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपका ये बटन ब्लू हो जाएगा। लेकिन आपको अभी सबमिशन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे आप जैसे सर ने बताया कि आप अपने ओन टास्क भी ऐड कर सकते हैं। आप इन दो टास्क के अलावा अगर कुछ और इस तरह का टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ मेला में कुछ एक्स्ट्रा आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कोई भी एक्स्ट्रा, तो वो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद डेट अनाउंस की जाएगी यहाँ से, तभी आपको सबमिट करना है। क्योंकि अगर आपने डेट अनाउंस करने से पहले सबमिट कर दिया और यहाँ से कुछ फिर से अनाउंसमेंट आया कि इस तरीके से ये एड ऑन कर दो, तो आप एक बार सबमिट करने के बाद फिर से सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो आप उस प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट आपकी तरफ से सबमिट हो गया, फिर आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए आपको सबमिशन की डेट अनाउंस होगी तभी ये सबमिट इम्प्रूवमेंट करना है, ये प्रोसेस है। आई होप कि सबको समझ में आ गया है कि किस तरीके से दीक्षा पे लॉगिन करना है, फिर उसके बाद प्रोफाइल अपडेट करनी है। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपको प्रोजेक्ट्स पे जाना है। प्रोजेक्ट्स पे जाने के बाद आपको दिखाएगा असाइन टू मी के नीचे ये टेक स्किल क्लब डिजिटल मेला वाला प्रोजेक्ट, आपको उस पर डबल क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको स्टार्ट इम्प्रूवमेंट
आ जाएगा। जब आप स्टार्ट इम्प्रूवमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको दिखाएगा 0 out of 2 कंप्लीटेड, और ये प्रोजेक्ट डिटेल्स है। यहाँ से आपने लर्निंग रिसोर्स देखने हैं। लर्निंग रिसोर्स देखने के बाद आप टास्क डिटेल्स में जाएंगे। ये आपने लर्निंग रिसोर्स देख लिए। लर्निंग रिसोर्स देखने के बाद आप टास्क डिटेल्स में जाएंगे, जहाँ पे ऑलरेडी जो मनोज सर ने मेंशन किए हैं 2 टास्क, वो ऑलरेडी वहाँ डाले हुए हैं। दोनों ही टास्क मैंडेटरी हैं, आपको दोनों ही काम करने हैं और उनके एविडेंसेस यहाँ पे अटैच करने हैं। तो आप जैसे ही पहला ओपन करेंगी तो करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस जो है वो नॉट स्टार्टेड आएगा। आपको वो स्टेटस इन प्रोग्रेस सिलेक्ट करना है, और वो प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस सिलेक्ट करने के बाद आपको एड फाइल्स पे क्लिक करके एविडेंसेस अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको ये चेकबॉक्स टिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपका अपलोड का बटन ब्लू हो जाएगा। और फिर आप कोई भी इन चारों में से कैमरा, गैलरी, फाइल्स, लिंक्स के थ्रू आप अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं। मैंने एज ए सैम्पल एक फाइल अपलोड करके देखा था, ठीक है। तो ये एक हो गया है। आप इसके बाद एक और फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, आप एक से ज्यादा फाइल्स यहाँ अपलोड कर सकते हैं। वो वीडियो भी हो सकती है, आपकी पिक्चर भी हो सकती है, आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, आपका कोई यूट्यूब का लिंक भी हो सकता है, जो आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड किया है उसका लिंक भी हो सकता है। लेकिन वो होना इसी डिजिटल मेला और इस असेंबली से रिलेटेड होना चाहिए, वही आप अपलोड करिएगा। और जब आपका आपको लगे कि आपने सारे एविडेंसेस ऐड कर दिए हैं, तो फिर आप उस टास्क का जो स्टेटस है, यहाँ से जो स्टेटस है, इस स्टेटस को आप कंप्लीटेड पे टिक करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे। जैसे ही आप कंप्लीटेड पे टिक करेंगे और ओके करेंगे, तो आप जब बाहर आएंगे तो आपका जो ये टास्क है, ये इस पे ग्रीन टिक आ जाएगा। सेम प्रोसेस आपको सेकेंड टास्क के लिए करना है। सेकेंड टास्क को भी ओपन करना है, उसका स्टेटस चेंज करना है, उसमें एविडेंसेस अटैच करने हैं, और फिर उसका जो स्टेटस है वो कंप्लीटेड करना है। और आपका उस सेकेंड टास्क पे भी फिर आपका ग्रीन टिक आ जाएगा, और उसके बाद आपका ये सबमिट इम्प्रूवमेंट जो बटन है वो ब्लू हो जाएगा, और आपके 2 out of 2 टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। बट हमारे पास यहाँ पे एडिशनल एक पॉइंट भी है, एड योर ऑन टास्क, कि आपने इन 2 टास्क के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अगर किया है तो वो भी आप इस बटन पे जाके, एड योर ऑन टास्क में आप इस बटन पे जाके उसको अपलोड कर सकते हैं। और सबमिशन आपको सिर्फ तभी करना है जब यहाँ से ईटी विंग एससीईआरटी की तरफ से आपको सबमिशन की डेट अनाउंस की जाएगी, आपको तभी सबमिट करना है। बिकॉज एक बार सबमिट करने के बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, जब तक वो आपके एंड पे है आप उसमें कुछ भी एविडेंसेस चेंज कर सकते हैं, कोई भी टास्क एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने पूरा रिवाइज कर दिया है और आप लोगों को समझ आ गया है। फिर भी अगर कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं।